किसान संगठन और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज एक बार फिर किसान संगठन दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। किसान संगठन आज शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया है। बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। वहीं पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए किसान अपने साथ इस बार पोकलैंड मशीन और जेसीबी लेकर आए हैं, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। केंद्र ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर किसानों की आड़ में उपद्रव करने वालों पर एक्शन करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अभी भी किसान संगठनों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान संगठन दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं और उसी की कोशिश के तहत ये तैयारी किसानों की तरफ से भी की गई है, जहां बॉर्डर पर सुरक्षा को पुलिस ने और चाक चौबंद और मजबूत कर लिया है। ज़्यादा संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी की गई है, बैरिकेड्स और पक्के कर लिए गए हैं। तो वहीं किसानों की बात की जाए तो किसान भी अपनी तैयारी के साथ अब दिल्ली कूच के लिए रवाना हो रहे हैं और पोकलेन और जेसीबी जैसी मशीनें भी अपने साथ ला रहे हैं। केंद्र सरकार से चौथे दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। किसान संगठन सुबह 11 बजे पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौली बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा बॉर्डर पर जबरदस्त किलेबंदी है। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार से बातचीत फेल होने के बाद उन्होंने दिल्ली कूच का फैसला किया है। हमें फिर दिल्ली भी तो जाने दिया जाए ना, क्यों नहीं जाने दिया? तो ये जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पर आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। 13 फरवरी से जारी किसान आंदोलन अभी तक एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी। यही वजह है कि किसानों ने अब दिल्ली कूच करने के लिए खास तैयारी की है। बॉर्डर पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी पोलकेन मशीनें पहुंच गई हैं। पोलकेन मशीन ऑपरेटर को आंसू गैस के गोलों रबर बुलेट से बचाने के लिए पूरे केबिन को लोहे की मोटी मोटी शीट्स के साथ कवर किया गया है। इस पर आंसू गैस के गोलों का भी कोई असर नहीं होगा। किसान जेसीबी लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचने लगे हैं। जेसीबी मशीन को भी मॉडिफाई किया गया है, साथ ही ट्रैक्टर्स को भी मॉडिफाई किया गया है, जो आगे बढ़कर बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। तैयारी कर ले, हम तो पूरी कह रहे हैं, पूरी तैयारी कर ले, आज रात को हरियाणा से तो बढ़ांगे, धरने से लेके चले आ दोनों जेसीबीयां नु, वाहेगुरु मेहर करूगा ना, सारे बैरिकेड ककर जाओगे तैयार दिल्ली होंगे। सारे नु बेनती है 11 बजे पहुंचो बाबा जी, बात तो बात बॉर्डर दे सवेरे 11 बजे कर लो। किसान नेता सरकार पर बातचीत तोड़ने और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक बार फिर किसानों से शांति की अपील की है, साथ ही बातचीत से मसले का हल निकालने को कहा है। बात से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोग भी शांति चाहते हैं, हम सब शांति चाहते हैं, और सभी खुशहाली के लिए ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें और ऐसे विषयों पर हम गंभीरता से विचार करें। वहीं पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौली बॉर्डर पर किसानों की तैयारी पर गृह मंत्रालय भी अलर्ट हो गया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखकर हालात से निपटने को कहा है। केंद्र ने कहा है कि 1200 ट्रैक्टर ट्रॉलियां, 300 कार मिनी बस के साथ साथ लगभग 14,000 लोग बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहीं पंजाब के ढावी गुजरात बैरियर पर करीब 500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ करीब 4,500 लोग जमा हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि किसानों की आड़ में कई उपद्रवी पंजाब की हरियाणा से लगती सीमा पर शंभू बॉर्डर के पास भारी मशीनरी जुटाकर पथराव कर रहे हैं। केंद्र ने पंजाब सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि विरोध की आड़ में उपद्रवी और कानून तोड़ने वालों को पथराव करने और भारी मशीनरी जुटाने की खुली छूट दे दी गई है।
पड़ोसी राज्यों में अशांति और व्यवस्था फैलाने के इरादे से सीमा पर हमला किया गया है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस मामले में तुरंत एक्शन लेने को कहा है। गृह मंत्रालय ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए भगवंत मान सरकार से कहा है कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठे न हो, हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी का इस्तेमाल न हो। वही किसानों की तैयारी को देखते हुए हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर पोलकेन और जेसीबी मशीनों को रोकने के लिए कहा है। हरियाणा पुलिस का कहना है कि इन मशीनों से ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जान को खतरा हो सकता है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब से अपील की है कि मीडिया कर्मियों को बॉर्डर से करीब 1 किलोमीटर दूर रखा जाए। साथ ही शंभू बॉर्डर में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को 1 किलोमीटर दूर रखने को कहा है, क्योंकि किसान महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को आगे रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि पुलिस उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न कर सके। हरियाणा डीजीपी की चिट्ठी के बाद पंजाब के डीजीपी ने एक सीनियर पुलिस अधिकारी को सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर शंभू बॉर्डर पर ये मशीनें न पहुंच सकें। लेकिन किसानों ने जिस तरह की तैयारी की है उससे उनके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं कि वो आज किसी भी तरह से पुलिस से निपटने के लिए तैयार हैं।